हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल सी इंग्लिश टू हिंदी डेली लाइफ सेंटेंसेस. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, हु ब्रीफ्स मोर अबाउट हिम, मतलब जो उसके बारे में अधिक जानकारी देता है. हु ब्रीफ्स मोर अबाउट हिम. नोवेयर यू विल फाइंड बिलो स्पेशलिटी, नहीं जा आपको नीचे की विशेषता मिलेगी. नो वेयर यू विल फाइंड बिलो स्पेशलिटी. इट विल एज्यूम दैट, मतलब यह माना जाएगा कि. इट विल बी एज्यूम दैट. दिस हैज नथिंग टू डू विथ, इससे कोई लेना देना नहीं है. दिस has nothing to do with. Let us look at many aspects. आइए हम कई पहलुओं पर गौर करें या फिर नजर डालें. Let us look at many aspects. Each coin has two sides. प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं. ईच कॉइन हैज टू साइड्स. नॉट सो कूल, मतलब इतना अच्छा नहीं है. नॉट सो कूल. गुड मूव, मतलब अच्छा कदम. गुड मूव. एग्री टू दीज टर्म्स, मतलब इन शर्तों से सहमत है. एग्री to these terms. I think you are misinterpreting. मुझे लगता है कि आप गलत व्याख्या कर रहे हैं. I think you are misinterpreting. We have to understand. हमें समझना होगा. We have to understand. Please डोंट मेक एनी मिस्टेक, कृपया कोई गलती न करे. प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक. वी नीड टू मेक श्योर, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. वी नीड टू मेक श्योर. वी ऑफन कंप्लेन, हम अक्सर शिकायत करते हैं. We often complain. So let me start with. तो मैं इसके साथ शुरुआत करता हूँ. So let me start with. I will not do justice to his greatness. मतलब यह उसकी महानता के साथ न्याय नहीं करेगा. It will not do justice to his greatness. I am used to it. मतलब मुझे इसकी आदत है. I am used to it. I have got it. मतलब मुझे यह मिल गया है. I have got it. I feel much better. मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ. आई फील मच बेटर. लेट मी ट्राई टू अटेम्प्ट टू आंसर इट, मुझे इसका जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए. लेट मी ट्राई टू अटेम्प्ट टू आंसर इट. नो वन एल्स हैड एवर थॉट अबाउट इट, इसके बारे में किसी और ने कभी नहीं सोचा था. No one else had ever thought about it. The more likely, मतलब अधिक होने की संभावना. Somewhat less likely, मतलब कुछ कम संभावना है. Somewhat less likely. I don't know what will be the future. मुझे नहीं पता कि भविष्य क्या होगा. I don't know what will be the
फ्यूचर. आई प्रिफर टू गो बाय बस. मैं बस से जाना पसंद करता हूँ. आई प्रिफर टू गो बाय बस. डोंट फील सॉरी फॉर हिम, मतलब उसके लिए खेद मत करो. डोंट फील सॉरी फॉर हिम. मे यू लाइव अलॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए. मे यू लाइव लॉन्ग. ही हैंडल द मैटर एक्सपर्टली, उन्होंने मामले को निपुणता से संभाला या फिर होशियारी से संभाला. ही हैंडल्ड द मैटर एक्सपर्टली. ही स्पोक कॉन्फिडेंटली, वह आत्मविश्वास से बोला. ही स्पोक कॉन्फिडेंटली. नो डाउट ओवर इट, मतलब इस पर कोई शक नहीं. नो डाउट ओवर इट. इफ यू डोंट माइंड, मतलब अगर आपकी कोई आपत्ति न हो. इफ यू डोंट माइंड. डोंट वेट फॉर मी, मेरी प्रतीक्षा मत करो. डोंट वेट फॉर मी. विश यू अ हैप्पी जर्नी, मतलब आपको शुभ यात्रा की शुभकामनाएं. विश यू अ हैप्पी जर्नी. मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब इस दिन की बहुत बहुत बधाई. मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. इमेजिन हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड, कल्पना कीजिए कि आपने कैसी प्रतिक्रिया दी होगी. इमेजिन हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड. थैंक्स फॉर योर प्रपोजल, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर योर प्रपोजल. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल में. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. कमिंग बैक टू क्वेश्चन, सवाल पर वापस आते हैं. कमिंग बैक टू क्वेश्चन. देर आर प्लेंटी ऑफ रीजन्स, मतलब बहुत सारे कारण हैं. देर आर प्लेंटी ऑफ रीजन्स. रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उत्तर दे. रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. लेट देम रिलैक्स, उन्हें आराम करने दे. लेट देम रिलैक्स. हेयर इज द रिसिप्ट, यहाँ पावती है. हेयर इज द रिसिप्ट. बिलो इज द फिगर, नीचे आंकड़े है. बिलो इज द फिगर. What will benefit out of it? इससे क्या लाभ होगा? What will benefit out of it? What is to be done? मतलब क्या करना होगा? What is to be done? It is a matter of luck. मतलब यह भाग्य की बात है. It is a matter of luck. I couldn't convince him. मैं उसे मना नहीं सका. आई कुडंट कन्विंस हिम. सो दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.